हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सो आज भी मेरे पास काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ओके, सो बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ की, जो कि है मिथपैट को लेके। सो मिथपैट की जो ऑडियंस है वो उनके वीडियो के कमेंट में पहले उनके रियल नेम मिथिलेश का स्पेलिंग मिस्टेक करते थे, लेकिन अब उनके नेम मिथपैट का भी स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं। तो इसी चीज पर उन्होंने अपनी कल वाली वीडियो में रिएक्ट किया, जो कि आप खुद देख लो। स्ट्रगल्स ऑफ पीपल गेटिंग योर नेम रॉन्ग। पहले से लोग मिथिलेश जो मेरा असली नाम है उसका स्पेलिंग तो खराब करते ही थे, अभी मिथपैट का भी लोग स्पेलिंग खराब करने लगे। मिथपैट, मिथपैट, मिथपाद। मिथपाद कौन बोलता है? पाद। मेरे को लगता है यहाँ पे कमेंट्स में भी और भी खराब किया होगा लोगों ने। मिथेन, नाइस। मिथेन, मिथपट्टू, नाइस। माय पाद, हाँ तेरा पाद हूँ। फुटपाथ, फुटपाथ। गाइस, दो मिलियन लाइक्स और मैं मेरे चैनल का नाम फुटपाथ कर दो। ओके, सो बात करते हैं अपनी अगली न्यूज की, जो कि है ड्रीम को लेके। सो ड्रीम का जल्दी फेस रिवील होने वाला है और उन्होंने अपने स्नैपचैट पर कुछ पिक्चर्स भी डाली थी, और इसी चीज को लेके उन्होंने कल ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने उस लोकेशन को रिवील किया जहां पर वो मीटअप करने वाले हैं। तो उन्होंने ट्वीट करके लिखा, सी यू ऑल इन सैन डियागो, कांट वेट टू फाइनली मीट फ्रेंड्स, फैंस एंड अदर क्रिएटर्स, इट फील्स सो श्योरल, लव यू ऑल। और जहां तक मुझे लगता है कि ये मीटअप 7 अक्टूबर से पहले होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, देन अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि है जय हिंद गेमिंग को लेके। तो इन्होंने अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट करके बताया कि इन्होंने यूट्यूब से एक छोटा सा ब्रेक लिया था, लेकिन अब वो डेली वीडियो अपलोड करेंगे, और एंड में कहा कि बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। ओके, सो बात करते हैं अपनी अगली न्यूज की, जो कि आ रही है रचित्रू को लेके। तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि इनके इंस्टाग्राम पर एक बग चल रहा है। सो वो बग क्या है आप खुद देख लो। ओके, आई डोंट नो ये क्या बग है, लेकिन मेरे आईजी पे ना 99.9 के फॉलोअर्स दिखा रहे हैं, एंड अगर मैं रीलोड करता हूँ ना तो रीलोड पर भी यही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैंने रीलोड किया एंड रीलोड होने के बावजूद भी ना यही दिखाएगा, एंड ये सिर्फ मेरे अकाउंट के साथ है। अगर मैं अपना अकाउंट यहाँ से चेंज कर दूँ ना तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने दूसरे अकाउंट्स देखे जस्ट चेक करने के लिए मेरे अकाउंट से उन पर क्या दिखा रहा है, एंड उन पर भी 99.9 के फॉलोअर्स आ रहे हैं। मैं यहाँ से रीलोड करूंगा ना, तुम लोग देखोगे रीलोड होने के बाद भी सेम वही आएगा, एंड इफ कोई अकाउंट 100 के से नीचे है ना तो उसके सही दिखा रहे हैं। एंड मेरे को समझ भी नहीं आ रहा ये क्या बग है। अगर मैं यहाँ से ही ना अपना लाइक वो चेंज कर दूँ ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये इकॉग्निटो मोड है, अगर यहाँ पर मैं डालूँ ना इंस्टाग्राम अपना, तो लुक एट दिस, ये देखो यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे अकाउंट के साथ हो रहा है जब मैं अपने अकाउंट से। ओके, सो बात करते हैं अपने अगली न्यूज की, जो कि है प्रो बॉयज 95 को लेके। सो अगर तो आप लोग इनके वीडियोस काफी पहले से देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि इनका बैड वॉर्स का वीडियो 1 साल पहले आया था, लेकिन अब इनका न्यू वीडियो आ गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, सो बात करते हैं अपने अगली न्यूज की, जो कि आ रही है टेक्नो गेमर्स को लेके। सो आप लोगों को पता होगा कि GTA 6 का गेम प्ले लीक हो गया है और इस पर काफी वीडियोस बन गई हैं यूट्यूब पर, और वहीं पे टेक्नो गेमर्स ने भी GTA 6 के ऊपर कुछ बोला है। तो उन्होंने क्या बोला है आप खुद सुन लो। अभी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ रॉकस्टार गेम्स से रिलेटेड। अब मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है 6 भी आया, ऐसा कोई सीन नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसे चांसेस मेरे को लगता है कि एक अलग सीरीज़ भी आ सकती है। बट एट द एंड वो है तो GTA ही ना, जैसे सैन एंड्रियास है वो भी एक GTA है, भले ही नंबर सीरीज़ की ना हो तो मस्त है। लेकिन यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं GTA अच्छी लगती है, बट इतनी बड़ी गेम है GTA 5 और उसका एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्या मजा आने वाला। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों के पास भी कोई न्यूज है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सबमिट कर सकते हैं, और जो न्यूज सबमिट करेगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में शाउट आउट दे दूंगा। और लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी न्यूज रेगुलरली लेकर आता रहता हूं।